मोदी के दौरे के बाद तय होगी वसुंधरा की भूमिका। इलेक्शन मोड में आएगी बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी। संगठन महामंत्री को लेकर होंगे निर्णय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसिंध दौरे के बाद भाजपा केंद्रीय नेतृत्व राजस्थान भाजपा की आगामी दिशा तय करने के लिए पेंडिंग मामलों में काम शुरू करेगा। चुनावी साल में वसुंधरा राजे की भूमिका तय करने, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के कार्यकाल के एक्सटेंशन और संगठन में कुछ बड़े पर्दों पर बदलाव जैसे फैसले होने हैं। असल में आसिंध की सभा को मोदी की राजस्थान चुनाव में अभियान की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। इस साल दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी अब अग्रेसिव मोड में आएगी। फरवरी में कुछ ऐसे फैसले होने हैं जो पार्टी को चुनाव मोड में लाने से पहले जरूरी है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि चुनाव में स्थितियां खुद के पक्ष में करने के लिए पार्टी को कई फैसले करने हैं। इनमें से कुछ चीजें तय हो गई हैं, जिनकी सिर्फ घोषणा बाकी है। सबसे बड़ा फैसला यह होना है कि चुनाव में वसुंधरा राजे की भूमिका क्या रहने वाली है। 2018 के चुनाव में सत्ता से बाहर होने के बाद पिछले 4 साल में वसुंधरा राजे पार्टी कार्यक्रमों में अक्सर तभी दिखी है जब पीएम मोदी या केंद्र का कोई बड़ा नेता शामिल हुआ हो। लंबे समय से पार्टी में खेमेबाजी और खींचतान साफ दिखाई दे रही है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।